हेलो डियर लवलीज, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ ट्रैवलिंग टू यूएसए। तो हमारी प्लेन तो लंदन से निकल पड़ी और ये वाइन और साथ में चकना हम एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी प्लेन में और मेरे पेट में भी टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो गया। बस तभी प्रकट हो गया ये यमी सा खाना, सैल्मन सैलड। इतना यमी था कि क्या बताऊं, किसी 5 स्टार से कम नहीं था। और साथ में था ये ब्रेड जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश था। मेरा पेट फिलहाल के लिए तो भर गया था और मैंने एक छोटी सी नींद भी मार ली। और जब नींद खुली तो सामने प्रकट हो गया ये यमी सा नोची सैलड। मैं बस सोच ही रहा था कि मैं और ज्यादा तो नहीं खा सकता, तभी प्रकट हो गया ये आइसक्रीम संडे। अरे एयर हॉस्टेस देवी, मैं खा के मर जाऊंगा यहाँ पे। और हुआ भी ऐसे ही, पर मौत को चैन कहा, इतना कुछ जो वसूलना था। उठते के साथ भूख लग गई, देखा मैंने इतने सारे स्नैक्स पड़े हुए थे इधर कोने में, पर मुझसे कहा खाना छुपाओगे, नाक बड़ी तेज है हमारी। बट ये सारे स्नैक्स खाते खाते डिनर टाइम भी हो गया, हमने कहा लाओ जी ये भी खा लेते हैं। और इस बार मुझे दिखी ये अनोखी सी मिर्ची और मैं तो हूँ ही क्यूरियस, जैसे मुंह में डाला एक बार तो तीखा लगा पर फिर बाद में मीठा जरूर लगा। बस यूं ही खाते पीते सोते सुलाते हम पहुंच गए यूएस, फीनिक्स एरिजोना टू बी एग्जैक्ट। बस इमिग्रेशन खत्म, फिर हम बाहर के नजारे देखते हुए अपनी गाड़ी लेते हुए चल पड़े होटल की ओर। डू कमेंट आपको ये पूरा सफर कैसा लगा।